नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम गौतम कुंडशेट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 पार्ट में 395 आर्टिकल को बांटा गया है। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से जो भारत के हिसाब से ठीक लगा उसको अडॉप्ट किया। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कौन से अनुच्छेद किस देश के संविधान से लिए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935 की। दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम था 1935 था, वहाँ से बहुत सी चीज़ें हमने अडॉप्ट की, जिसमें से मुख्य क्या थी, संघीय तंत्र। फ्रेंड्स, संघीय तंत्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता है तीन सूचियाँ होती हैं, एक होती है आपकी संघीय सूची, राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही भारत शासन अधिनियम 1935 में थी और ये यहाँ से अडॉप्ट की गई। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल का कार्यालय, ये भी फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये भी कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, जैसे कि दोस्तों सेंट्रल लेवल पे UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, और हर स्टेट में, ये कह सकते हैं आप स्टेट लेवल पे, हर राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग है, जैसे हरियाणा का दोस्तों हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ भी कहाँ से ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं इमरजेंसी तीन टाइप की होती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल जिसको आप गवर्नर रूल बोल देते हो, और तीसरा होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ये भी कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको इनको रट्टे नहीं मारने, सिर्फ आपको बेसिक समझना है, ठीक है ना, क्योंकि आप ये याद रख सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तब भी थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग तब भी था। ठीक है दोस्तों, लोग पहले भी IAS बनते थे, IAS बनने के लिए उनको इंटरव्यू के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, ये आप कोरिलेट कर सकते हो इन चीज़ों से, सिर्फ बेसिक पे ही आप फोकस रखना है, ट्रिक आप मत बनाइए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार फ्रेंड्स फिर आप बात आती है ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन से भी दोस्तों हमने अनेक इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपको पता है वहाँ पर लोकतंत्र तो रहा है, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जो इसमें महारानी एलिजाबेथ है, ठीक दोस्तों, तो वहाँ पे राजतंत्र चला रहा है, राष्ट्रपति उनके परिवार से कोई बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे क्या लिया गया, संसदीय शासन। ठीक है दोस्तों, संसदीय शासन। सेकेंड है एकल नागरिकता, जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है, एक तो आपको अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, दूसरा आप जिस राज्य में रहेंगे वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, द्विसदन, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, ये भी हमने कहाँ से ली, ठीक ब्रिटेन के संविधान से, वहाँ पे भी दो हाउस है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी हमने कहाँ से ली हैं, ये चीज़ें भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। तो फ्रेंड्स, संसदीय शासन है या द्विसदन है या मंत्रिमंडल है या विधायी प्रक्रिया, ये सभी कहाँ के फ्रेंड्स, कहाँ से अडॉप्ट किए हमने, हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, जो संसदीय शासन होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेवार होती है। ठीक है दोस्तों, और इस परंपरा में क्या होता है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, एक से ज़्यादा पार्टियाँ होती हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, आपकी संसदीय प्रणाली की खासियत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अमेरिका का संविधान। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों आपको बताना है, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से, USA के संविधान से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर SSC रेलवे में पूछा जाता रहा ये। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका की आज़ादी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, ये भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जाना, ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, अमेरिका के संविधान से। फ्रेंड्स इसमें मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग और तीसरा न्यायपालिका की आज़ादी, ये तीन क्वेश्चन तो SSC और रेलवे में काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। फ्रेंड्स आपने आर्टिकल 36 लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इनके जो दोस्तों प्रक्रिया है निर्वाचन की, वो कहाँ से ली गई, आयरलैंड के संविधान से। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। फ्रेंड्स कनाडा में आपने एक बात ध्यान रखनी है, हमने वहाँ से क्या लिया है, संघीय तंत्र, ये कह सकते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसमें दोस्तों पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ पे एक आपकी केंद्र को अलग पावर्स है, राज्य को अलग पावर्स है, तो ये जो मॉडल हमने लिया दोस्तों ये कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। सेकंड फ्रेंड्स केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछा जाता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए वैसे तो केंद्र सरकार की अलग पावर है, राज्य सरकार की अलग पावर है, ठीक है, कुछ होते दोस्तों जो पावर किसी को नहीं देगी, तो उस पर केंद्र को कानून बनाने का हक है, विधि बनाने का हक है, तो सशक्त केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसमें दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपने आर्टिकल 368 पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसके तहत होती है। तो दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के मतलब कि संविधान से। नेक्स्ट दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है दोस्तों, आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया तीन सूची होती हैं, एक होती है संघीय सूची जिस पर केंद्र सरकार को विधि बनाने का अधिकार होता है, दूसरी होती है राज्य सूची जहाँ पर राज्य सरकार विधि बनाती है, और तीसरी होती है दोस्तों समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विधि या कानून बनाती हैं। तो दोस्तों समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी कई बार SSC और रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, जब मान लीजिए गतिरोध हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में किसी बिल पर, तो राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने लिया दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हम डायरेक्ट नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे कि MP MLA मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली फ्रेंड्स, फ्रांस के संविधान से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। सेकेंड फ्रेंड्स प्रस्तावना में समता व बंधुता के आदर्श, जो हमारी प्रस्तावना लिखी गई है हमारे संविधान की, उसमें जो ये वर्ड्स हैं समता मतलब समानता, ठीक है दोस्तों, और बंधुता मतलब भाईचारा, ये जो संस्कार या आदर्श हमने लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि फ्रांस के लोगों से हमने क्या सीखा, बराबरी और भाईचारा। नेक्स्ट है जापान का संविधान। यहाँ से दोस्तों हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि मतलब कानून, जैसे कि आपको पता दोस्तों कोई भी बिल है पार्लियामेंट्री बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर वो विधि बन जाता है और जो दोस्तों फिर उसके बाद वो पूरे देश में लागू हो जाता है, तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है दोस्तों, जापान के संविधान से। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। फ्रेंड्स
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जैसे फ्रेंड्स इमरजेंसी लगती है तो उसमें कुछ मूल अधिकार हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, जर्मनी के संविधान से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। दोस्तों इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो कब लगता है, जब हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाए। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और 356 आर्टिकल 356 के तहत जो गवर्नर रूल होता है स्टेट में वो लागू होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें कुछ मूल अधिकार, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों रूस का संविधान, रूस से फ्रेंड्स हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A के तहत मूल कर्तव्य आते हैं दोस्तों, जो 11 है, जैसे हमें भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, एकता अखंडता देश की बनाकर रखनी चाहिए, सार्वजनिक जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है, ये सब किस में आते हैं, मूल कर्तव्यों में। दोस्तों आपने काफ़ी बार पढ़े भी होंगे, तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस के संविधान से। उसमें फ्रेंड्स का नाम था यूएसएसआर, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जो दोस्तों हमारी प्रीएम्बल प्रस्तावना है उसमें जो न्याय है, भले वो राजनीतिक न्याय हो, ठीक है दोस्तों, या नैतिक हो या सामाजिक न्याय हो, तो जो न्याय की व्यवस्था की गई है वो हमने कहाँ से ली है दोस्तों, रूस से। तो आप कह सकते हैं रूस ही न्याय करता है, क्योंकि रूस एक पावरफुल कंट्री है, रूस ही न्याय करता है। तो आप जो ये न्याय का आदर्श है तो आप रूस से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों फ्रांस हमें भाईचारा सिखाता है, तो जो समता व बंधुता के आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से। तो इस प्रकार दोस्तों आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।